अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट ऑफ होम बाय नफीसा। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक नॉनवेज रेसिपी, और आज की रेसिपी का नाम है मटन भुना। तो मैंने पहले भी आप लोगों के लिए मटन भुना की रेसिपी डाली थी, लेकिन इस बार मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से मटन भुना बना रही हूँ। तो चलिए जानते हैं क्या क्या है इसके इन्ग्रीडियंट्स और कैसे बनता है मटन भुना। तो फ्रेंड्स, मटन भुना बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1.25 किलो जो है वो मटन ले लिया है, जिसको मैंने अच्छे से धो के और रख लिया है। तो अब हम डायरेक्ट इसे बनाएंगे। तो मैंने कुकर ले लिया है एक, और उसमें मैंने 2 बड़ा चम्मच सरसों ऑयल डाल दिया है। तो सरसों ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसी टाइम हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो मैंने यहाँ पर 3 प्याज जो है वो मीडियम साइज़ के थे, जिनको मैंने ऐसे स्लाइसेस में कट कर लिया है फ्रेंड्स। तो अभी मैं प्याज को थोड़ा सा भूनूंगी, ताकि ये जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, क्योंकि मटन भुना है तो हमें प्याज को अच्छे से लाल कर लेना है। तो तब तक हम अभी 2 से 3 मिनट तक प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनते हैं। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारा प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन होता है, उस तब तक हम जो है कुछ मसाले रोस्ट कर लेते हैं। तो जिसमें मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच धनिया, साबुत धनिया ले लिया है, 1 चम्मच मैंने लिया है यहाँ पर साबुत ज़ीरा, 1/2 चम्मच मैंने लिया है साबुत काली मिर्च, 2 मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 3 मैंने छोटी इलायची ली है और 2 बड़ी इलायची ली है। इन सबको हम तवे पे रखकर और मीडियम फ्लेम कर इसको रोस्ट करेंगे कम से कम 1 से 2 मिनट तक, ताकि ये अच्छे से रोस्ट हो जाए मसाला, और जो वो भुना मसाला है वो ऐसे ही तैयार होता है फ्रेंड्स। तो मटन का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है जब हम इस तरीके से भुन के मसाले को और बना कर डालते हैं उसमें। हाँ, देखिए, जो मसाला है साबुत वो अच्छे से रोस्ट हो गया है, और यहीं पर मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है, इसे ठंडा होने हम रख देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमने साबुत मसाला भुना था वो ठंडा हो गया था, तो अब इसे हम ग्राइंडर में डालकर अच्छा सा एकदम फाइन पाउडर बना लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एकदम फाइन पाउडर बना लिया है, क्योंकि अगर हम थोड़ा भी दरदरा रखेंगे तो जो मसाला है वो अच्छा नहीं लगेगा मटन भुना में। तो यहाँ पर मैंने एकदम फाइन इसका पाउडर बना लिया है, और अब इसको हम साइड में रख देते हैं, और अब हम देखते हैं कि प्याज हमारा लाल हुआ कि नहीं। और दूसरी तरफ फ्रेंड्स, देखिए प्याज भी हल्का लाल हो गया है, थोड़ा सा बस हमें और लाल करना है, उसके बाद हम इसमें मटन डाल देंगे। तो अभी हम 1 मिनट तक इसे और थोड़ा सा लाल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 मिनट हो गया था और जो प्याज है वो अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो इसी टाइम हम इसमें ऐड कर देंगे मटन, जो मैंने धो कर रखा है। तो मैं इसमें मटन डालकर और मटन को कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनूंगी, ताकि जो मटन से एक्स्ट्रा पानी निकल रहा है वो भी अच्छे से सूख जाए और मटन अच्छे से भून जाए। तो मटन जो भुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा उसका टेस्ट अच्छा लगता है। तो पहले अभी यहाँ मटन को हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 मिनट हो गए थे और मटन देखिए अच्छे से भुन गया है, उसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है। तो अब ये देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मटन भुना वाला ही दिख रहा है। तो इसको एक से डेढ़ मिनट तक हम और भूनते हैं, ताकि थोड़ा जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब अच्छे से मटन भुन गया है, तो मैं इसमें अब मसाले डाल दूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ डालती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, और मैंने 3 बड़ा चम्मच जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है इसमें। और इसको डालने के बाद भी हम इसे अच्छे से मटन के साथ मिक्स कर देंगे, ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमें इसमें तो ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई मसाले डालने नहीं है, क्योंकि हमने जो भुना मसाला है वो खुद से बनाया है। तो अभी अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद 1 से 1.5 मिनट तक हम इसे ऐसे ही भूनेंगे, ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और मटन उसके साथ अच्छे से मिक्स होकर भुन भी जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अदरक लहसुन पेस्ट डाल के हमने अच्छे से भून लिया था, और अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले डाल देंगे। जैसे मैंने 1/2 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाला है, साथ ही मैंने 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च डाला है, और साथ ही मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाला है 2 चम्मच भरकर, क्योंकि मटन भुना का जो कलर है वो बहुत अच्छा आना चाहिए। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है स्वाद अनुसार नमक, और ये चारों चीज़ डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद इसको फिर से हम 1 मिनट तक थोड़ा भूनेंगे, कि जो मसाले अभी हमने डाले हैं वो भी अच्छे से भुन जाए। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है इसमें, क्योंकि यहाँ मसाले काफ़ी सूख गए थे और वो सटने लगता, तो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है, और इसको भून लेंगे हम 1 से 1.5 मिनट तक।
तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 1.5 से 2 मिनट ये मटन को भून लिया है और अब इसको मैं जो है सीटी लगा दूंगी, मटन को मैं गला लूंगी पहले। तो मैं यहाँ पर 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ मटन में ताकि ये अच्छे से गल जाए, और उसके बाद मैं अभी सीटी लगा दे रही हूँ। तो मैं 2 से 3 सीटी आने तक जो है इसको ऐसे ही पकाऊंगी, और आपके मटन पे वो डिपेंड करता है कि मटन कितना जल्दी गल जाता है। तो मैं अभी यहाँ फ़िलहाल मैं तो 2 से 3 सीटी लगाने तक इसे पकाऊंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 3 सीटी लग गए थे मटन में, और देखिए मटन जो है वो गल गया है। तो मुझे इतना पानी रखना है क्योंकि अब मैं मटन को भूनना शुरू करूँगी, तो मैं इसी टाइम इसमें ऐड कर दूँगी जो मैंने भुना मसाला रेडी किया था वो। तो मैंने पूरा मसाला इसमें ऐड कर दिया है क्योंकि मैंने 1.25 किलो के हिसाब से ही मसाला बनाया था फ्रेंड्स। और आप जितना मटन बना रहे हैं उस हिसाब से अगर नहीं बना रहे मसाला तो फिर 1-2 चम्मच ऐसे करके डालिए। तो मैंने सारा मसाला इसमें ऐड कर दिया है और अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पर करके भूनना शुरू कर दूंगी, और ये जितना एक्स्ट्रा पानी दिख रहा है वो मैं भूनते भूनते ही पूरा सुखाऊंगी फ्रेंड्स। और इसी टाइम मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 बड़े चम्मच दही। तो मैंने यहाँ पर खट्टा दही यूज़ किया है, और 2 बड़े चम्मच दही डालने के बाद इसे अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी ताकि मटन में दही भी अच्छे से मिल जाए, और इसे मैं मीडियम फ्लेम पर भूनती रहूँगी कम से कम 2 से 3 मिनट तक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 3 मिनट हो गए थे और देखिए थोड़ा सा पानी कम हो गया है। तो हम ऐसे ही इसे मीडियम फ्लेम पर भूनते रहेंगे क्योंकि मटन भुना नाम है इसका, तो बहुत ज़्यादा हमें मटन भूनना पड़ेगा, उसी से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 4 मिनट हो गया था, और इसी टाइम मैंने इसमें ऐड कर दिया हरी मिर्च कट करके, क्योंकि हरी मिर्च का टेस्ट मटन भुना में बहुत अच्छा आता है। और देखिए जो मटन है वो भी थोड़ा सा सूख गया है, और इसी के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा हरा धनिया। तो हरा धनिया से टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आता है, वो एकदम लास्ट ऑप्शन होता है डालने का। तो यहाँ देखिए मसाला भी अच्छे से सूख गया है और मटन बिल्कुल भुन चुका है अच्छा वाला। तो रेडी हो गया है यहाँ पर मटन भुना फ्रेंड्स। ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, आपको खुद का मसाला बनाना है और उससे मटन भुना बनाना है, और बहुत ही ज़्यादा इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो इस मटन भुना की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए अपने घर पे फ्रेंड्स। अभी बकरीद का टाइम चल रहा है तो इस टाइम तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं आप। और आपको इस मटन भुना की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Bye.